हेलो एवरीवन, सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या बोलता है? द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और अब्रिजेस द राइट कॉन्फर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब नीदर सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर स्टेट गवर्नमेंट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकता है जो एग्जिस्टिंग राइट दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, या उसको ले पाए या उसको अब्रिज कर पाए। मतलब एग्जिस्टिंग राइट्स विच आर गिवन थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी टेकन अवे और कैन नॉट बी मिनिमाइज, कैन नॉट बी चेंज बाय एनी लॉ मेड बाय स्टेट और सेंटर। सेकेंड चीज, कोई लॉ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जो लॉ बन गई है इन कॉन्ट्रवेंशन टू राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उस लॉ को टू द एक्सटेंट इट इज कॉन्ट्रवीनिंग एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट विल बी ट्रीटेड एज वॉइड। राइट, तो आर्टिकल 13 दो चीजें बताता है। सबसे पहले तो ऐसी कोई लॉ ही नहीं बना सकते जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाए, और दूसरी चीज, ऐसी कोई लॉ अगर बनी हुई है पहले से तो उसका उतना पोर्शन जितना अगेंस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के वो वैलिड नहीं होगा, उसे हम वॉइड मानेंगे। तो आर्टिकल 13 से दो इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन निकल के आती है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स एंड डॉक्ट्रिन ऑफ सीवियरेबिलिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स हमें ये बोलती है कि अगर ऐसा कोई भी लॉ एग्जिस्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होने से पहले का प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो एग्जिस्टिंग फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है, देन जो फंडामेंटल राइट है वो ओवरशैडो कर देगी उस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ लॉ का फॉर अ टाइम बीइंग, टिल द टाइम इट इज कॉन्ट्रवेनिंग फंडामेंटल राइट। सो एक्लिप्स मतलब वो वाला पोर्शन लॉ का एक्लिप्स्ड रहेगा एंड विल बी ओवरशैडोड बाय फंडामेंटल राइट, जब तक उसका जो प्रोविजन है उसको कंप्लायंट ना बना दिया जाए फंडामेंटल राइट्स का। राइट, तो फंडामेंटल राइट्स कैन ओवरशैडो एनी प्रोविजन इन लॉ विच इज कॉन्ट्रडिक्टरी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, देयरफॉर इट इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। अब हम आते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सीवियरेबिलिटी में। ये क्या बोलती है? ये बोलती है कि लॉ, ये नहीं कि अगर कोई भी लॉ में कुछ ऐसा प्रोविजन है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है या कॉन्ट्रीविनिंग है तो वो पूरा लॉ ही इनवैलिड हो जाएगा। नहीं, लॉ का सिर्फ उतना पोर्शन जो इनकंसिस्टेंट है, जो कॉन्ट्रीविनिंग है, सिर्फ वो ही पोर्शन वॉइड होगा, पूरा लॉ नहीं। देयरफॉर देयर इज सीवियरेबिलिटी, दोनों चीजों को अलग किया जा सकता है। तो कॉन्ट्रीविनिंग प्रोविजन कैन बी रिमूव्ड, कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द लॉ एंड कैन बी केप्ट एज डोरमेंट, रेस्ट ऑफ द लॉ विल बी फंक्शनल। सो थैंक यू फ्रेंड्स, यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल सी एस एब इनिशियो फॉर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन।